हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर मैं स्वाती। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का बयान है हमारे नबी और हिरन का वाकया। तो चले पहले वीडियो देखते हैं। आप तो शिव ले जा रहे हैं, एक आवाज है या रसूल अल्लाह। आपने यूं देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज है या रसूल अल्लाह। तो आपने देखा कि हिरनी हिरनी डियर छोटी, वो खड़ी हुई रस्सी में बंधी। तो आपने कहा क्या हुआ? कहा जी आपका सहाबी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाता, मुझे पता है मेरे अल्लाह की तकदीर मेरे बारे में क्या है। तो आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर, तो आपने तो उसने कहा मुझे अल्लाह जहन्नम में डाल दिया। आपने उसकी रस्सी खोल दी, खुद वहीं बैठ गए। उसने दौड़ लगाई और पहाड़ों में गुम हो गया। थोड़ी देर के बाद वो दौड़ती हुई आई और आकर सर या रसूलल्लाह मैं हाजिर हो गया। तो आपने उसको बांध के वहीं आप बैठ गए, गए नहीं। देर के बाद वो सहाबी आए जिन्होंने उसको शिकार किया था, पकड़ा था। तो कहने लगे, उनका या रसूलल्लाह आप कहाँ कैसे? कहा मैं एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। क्या? कहा ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा या रसूलल्लाह सब कुछ आपका है, कहने बस ये हदिया कर दो। या रसूलल्लाह हाजिर। तो आपने उसको लेकर रस्सी उसकी गर्दन से ले निकाली, का जा बची अपने बच्चों के पास जाके खुशी माना। सच नजात देता है और झूठ हलाक करता है। एक हिरनी जान की बाजी खेल गई सच बोलने के लिए। तुम चंद पौंडों पे झूठ बोलते हो, ईमान को बर्बाद करके रख देते हो। मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान की जबान से सख्त बोल नहीं निकलता, किसी को बेइज्जत नहीं करता, किसी को की बेकामी नहीं करता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी को जलील नहीं करता, खुद सहता है औरों को खुशियां देता है, खुद दुख सहता है औरों को राहत देता है, खुद तकलीफ सहता है। ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी की जिंदगी है और ये इस्लाम का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मुश्किल चैप्टर है। जब मेरे नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी तो अल्लाह ने रोक दिया, कहा मेरे हबीब मा अनज़लना अलैका अल-क़ुरआन लितशक़ा, इतनी लंबी नमाज ना पढ़ के तो थक थक जाए। मेरे नबी ने तबलीग में जोर दिखाया तो अल्लाह ने रोक दिया, फलतज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे नबी इतना गम न करके आप खुद ही आहें भरते भरते आप मर जाएं। मेरे नबी ने माल सारा खर्च किया, अल्लाह ने उससे भी रोक दिया, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़ुदा मलूमन महसूरा, इतना खर्च ना करें कि आप खुद फिर दुखी होके बैठ जाएं। खर्च करना बहुत बड़ा अमल, तबलीग सबसे सारे अमलों का सरदार अमल। तबलीग से बड़ा कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को देते, अगर तबलीग से बढ़कर कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को देता, गश्त से बढ़कर कोई मेहनत होती तो अल्लाह नबियों को देता। 1450 साल नूह अलैहि सलाम गश्ती कर रहे हैं। अरे अल्लाह की मान लो, अल्लाह की मान लो, इतना अजीम अमल का मेरे नबी दरमियाना नमाज सबसे बड़ी इबादत, मेरे नबी दरमियाना काम। लेकिन जब मेरे नबी ने अखलाक अच्छे किए, दुश्मन को माफ करना। तो एक आदमी आप सोए हुए थे, आपकी तलवार लटकी थी, एक आदमी आया, उसने आपकी तलवार उतारी और यूं आपके यूं हमारी पसली में, आप उठ के बैठ गए। अब वो कत्ल के इरादे के लिए आ चुका है और तलवार यहां है, कहता मन यमनाओ कमिन्नी, अब बोल तुम्हें कौन बचाएगा? तो आपने मुस्कुराते हुए कहा अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी, तो आपने उठा ली, आपने यूं सीधी की, अब तू बचा, तुझे कौन बचाएगा? वो कहने लगा मुझे तो तू ही बचाएगा। वो तो अल्लाह को जानता नहीं था, कहा बाबा मुझे तो तू ही बचाएगा। तो आप कहते इसका सर उड़ा दो, ये नबी को कत्ल करने आया है। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ते हो? कहा नहीं पढ़ता। कहा जाओ माफ किया। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। 20 साल जिन्होंने कत्ल के मंसूबे बनाए, कत्ल के मंसूबे मक्का वाले। जब आप मक्का में फातिहाना दाखिल हुए, अबू सुफियान सबसे ज्यादा आपको दुख पहुंचाने वालों में पेश, तो आपने अबू सुफियान को इज्जत दी। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप तो अबू सुफियान को बुला के सूली पे लटकाते और आप कह रहे हैं जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो बैतुल्ला में होगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। सारा मक्का सामने, आप यूं बैतुल्ला का दरवाजे पर यूं दोनों हाथ ऐसे टिका के खड़े थे। फिर आपने कहा मैं क्या करूंगा अब तुम्हारे साथ? तो सहेल बिन आमर ने कहा आप करीम हैं, करीम के बेटे हैं। तो आपने कहा जाओ मैंने माफ किया। ये अखलाक आज मिट चुके हैं मर्दों से, औरतों से, इलम वालों से, खानका वालों से, तबलीग वालों से, सब जीरो हुए पड़े हैं।
जब तक ये अखलाक जिंदा नहीं होते, इस्लामी ज़िंदगी कायम नहीं हो सकती, इस्लामी मुआशरत कायम नहीं हो सकती। और दीन दो चीज़ों से आगे फैलता है, एक दावत और एक अखलाक। दावत और अखलाक, दावत और अखलाक। दावत नहीं होगी तो अखलाक वहीं पड़े रह जाएंगे, अखलाक नहीं होंगे तो दावत कोई कबूल नहीं करे। मेरे नबी ने कितने मौजज़े दिखाए मक्के में, नहीं कलमा पढ़ा, बदर में उनके 70 मारे गए, फरिश्तों को देखा, जिब्रील के घोड़े की आवाज सुनी, कलमा नहीं पड़ा, खंदक में शिकस्त हुई, कलमा नहीं पड़ा, पानी निकलते देखा उंगलियों से, कलमा नहीं पड़ा। एक बकरे का एक बाजू पकाया, एक बाजू बकरे का एक अगला जो बाजू था, और 40 आदमियों ने खाना खाया और एक बोटी कम नहीं हुई, एक बोटी कम नहीं हुई, कलमा नहीं पड़ा। लेकिन जब मेरे नबी ने कहा जाओ माफ किया तो सारे ही कलमा पड़ गए। कि वाकई ये अखलाक नबी के हो सकते। हुनैन की जंग में जब भागे लोग, शिकस्त हुई, तो एक सहाबी का भागते हुए पांव हमारे नबी का पांव पर आया, और जूता सख्त था, तो आपने कहा औजाता नहीं, और आपके हाथ में छड़ी थी, उसको यूं मारी, औजाता नहीं। अरे तूने मुझे कितना ज्यादा दर्द पहुंचाया, दुख पहुंचाया। वो बेचारे पिघल के रह गए और परेशान हो गए, और कहने फरमाते हैं सारा दिन मैं परेशान, सारी रात परेशान, कि अल्लाह के नबी को मैंने तकलीफ पहुंचाई, अब मेरा क्या बनेगा। अगला दिन हुआ तो ऐलान हो रहा था, भाई जिसका पांव नबी के पांव पे आया था उसको अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो सहाबी कहने लगे मैंने समझा बस अब मेरी तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, अब मेरे ऊपर केस बनेगा और मुझे डांट डपट भी होगी, मेरा कितना बड़ा घाटा नुकसान होगा। ये हाजिर हुए डरते डरते, तो आपने फरमाया मेरे भाई कल मैंने तुम्हें छड़ी मारी थी, वो मुझे माफ कर देना, और ये 80 ऊंट तुम्हें हदिया देता हूँ, 80 कैमल्स यानी 80 प्राडो, 80 रेंज रोवर का ये मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है। वो हैरान परेशान, ये मेरे नबी के अखलाक है, ये मेरे नबी के अखलाक है। कांटे बिछाने वाली ने 4 दिन आना छोड़ दिया, बीमार हो गई थी, तो हमने क्या बात है, वो हमारे रास्ते में अब कांटे कोई नहीं है। कहा जी वो बीमार पड़ी है जो कांटे बिछाते थे, तो आप उसके घर चले गए, माँ जी खैरियत तो है, आप ठीक तो हैं। कहा बेटा मुझे कलमा पढ़ा दे, बस तेरे अखलाक ने मुझे फतह कर लिया है। मेरे भाइयों ये चैप्टर भूल चुके हैं, भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। जब तक ये चैप्टर जिंदा नहीं होगा, जिंदगी इस्लामी नहीं बनेगी, मुआशरा इस्लामी नहीं बनेगा, और आगे कौमों के लिए इस्लाम का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हमें माफ़ करना आता हो, हमें गाली देने वाले को दुआ देना आता हो, गीबत करने वाले की तारीफ आती हो, और गीबत करने से, गीबत सुनने से अपने आप को ऐसे बचाओ जैसे जहर से बचाते हो, उसे आग से बचाते हो। एक दूसरे को नफरत का बोल ना बोलो, वरना सारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे रब की कसम, मेरे नबी ने कहा एक जबान का बोल इंसान बोलता है और जहन्नम की गहराइयों में गिर जाता है, और एक जबान का बोल इंसान बोलता है और जन्नत के दर्जात पर चढ़ जाता है। ये जबान बहुत ताकतवर चीज है, मैं हर बयान में इसको दोहरा रहा हूं, दोहरा रहा हूं, दोहरा रहा हूं, कि जितना ये अमल खत्म हो चुका है, इतना कोई अमल भी नहीं खत्म हुआ है। और एक साहब हैं अबू दुजाना, कौन अबू दुजाना, السابقون الاولون من المهاجرين والانصار, उसमें पहली सफ के सहाबा। कौन अबू दुजाना, जब आप हज पर गए, हज पर गए तो अपनी जगह मदीने का अमीर अबू दुजाना को बनाया। अबू दुजाना हज में शरीक नहीं हुए, क्या आपने अपनी जगह उनको अपना अपनी अपना नायब बना के वहां खड़ा फरमाया, अबू दुजाना मेरी जगह पर मदीने का अमीर है। ये वो अबू दुजाना है। कौन अबू दुजाना, जो जंगे बदर से लेकर आखिरी हज तक हर सफर में शरीक हैं, हर सफर में शरीक हैं। बहुत अच्छा बयान था, और बीच में उन्होंने मतलब मेन ये था कि हिरन का वाकया था, पर इसमें बहुत सारे वाकये जो वाकया थे उन्होंने इंक्लूड किए थे, बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। हिरनी का तो मैंने पहले सुना था, मेरे काजल के साथ सुना था, और ये मेरी सिस्टर है, इसका भी एक चैनल है इंडियन वुमन रिएक्ट्स नाम का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत अच्छा वाक्य था, और हिरन का वाक्य जब हमने सुना था पहली बार तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इसमें मुझे एक नया लगा, नई चीज़ लगी कि एक बार जब एक सहाबी ने नबी के पैर के ऊपर गलती से पैर रख दिया था, मतलब वो भागते हुए आया था और गलती से पैर रख दिया, तो नबी ने मतलब अगर हमको भी कुछ लगेगा पैर के ऊपर और हमें कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा
तब हम उसको ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो नबी ने सिर्फ अपने हाथ में छड़ी थी तो थोड़ी सी उसे मारी थी, और अगले दिन उन्होंने उसे बुलाया और उसे टेंशन आया कि हमने अल्लाह के रसूल को दुख दिया है, तो अब मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे ऊपर केस बनेगा। तो नबी ने सिर्फ उतनी सी वो तो गलती भी नहीं थी उनकी, फिर भी उसे 80 ऊँट दिए, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप उसे स्किप करके या पीछे लेकर भी देख सकते हैं बीच में दाढ़ी के बाल। तो बहुत मुझे मतलब अजीब सा लगा, और बहुत मतलब ऐसा लगा कि यार सच में रसूल होते हैं अल्लाह के तो ऐसे ही होते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो और इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मतलब गुस्सा करना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम किसी को भी कोई एक बार गलत बोल देगी या हमें कोई चिल्लाए ऐसा करते तो हम उल्टा जवाब देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, इससे हमारी ही ज़िंदगी ख़राब होती है, हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह होती है। तो ये बात तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हर बात हर बार इनका जो बयान होता है कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, सिखाता जरूर है। और ये आपको तो काम आएगा ही, लेकिन मेरे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी इनकी। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।